हेलो बिंदास वेलकम टू इंडियन यूट्यूब मैक्स चैनल। आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है, मस्त है, ज़बरदस्त है। एंड वेलकम टू हैशटैग कनाडा कपल डेली लाइफ वीडियोज़ गाइज। आई रियली होप आप सब अच्छे हैं। सो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वरकम अस्सलाम वालेकुम। केम छो खेम नाशर ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड वी आर स्टेपिंग आउट, क्यों हम रास्ते में बताते चलते हैं आपको। जैसे हो रहा है शाम का वक्त एंड गाइज मैक्सिमम पार्ट ऑफ टोरंटो इज़ ओपन। हाँ, तो हमारा टोरंटो सिटी काफ़ी हद तक ओपन हो चुका है गाइज। हर कोई वॉक पे निकला हुआ है, देखिए कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई वॉक पे जा रहा है। बिजी 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 डे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? खाना डिलीवरी करने जा रहे हैं तो हम लोग एक्चुअली हमारी जो फ्रेंड है शी गॉट वैक्सीनेटेड एंड ऑब्वियसली वैक्सीन लेने के बाद यू नो यू फील लिटिल लो एंड वी डिडंट वांट हर टू ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड, तो शी हैज़ डन इट। उसके पास और शाम हम लोग ने कहा था उसको अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना, बट शी डिड। ना ऑब्वियसली हर कोई कोशिश करता है ना सेल्फ मैनेज हो जाए, कोशिश यही रहती है। पर उसने बाहर से खाना ऑर्डर किया तो मैंने बोला नहीं यार बाहर से मत करो, 2-3 दिन इम्यूनिटी काफ़ी वीक रहती है तो घर का खाना खाओ, ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग के जो अपार्टमेंट है वहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर्स दूर रहती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वॉकेबल। बहुत दूर होता तो शायद हम भी नहीं बोलते ज़्यादा डिस्टेंस का होता तो। अब स्कारबरो में कोई फ्रेंड होगा तो हम लोग कह देंगे ऑर्डर करा दे रहे भाई, हम आएंगे कैसे। लेकिन क्योंकि ये वॉकिंग डिस्टेंस है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही रियल टाइम सिचुएशन बता रही हूँ मैं, क्योंकि हम 2-2.5 किलोमीटर इज़ लाइक वॉकिंग डिस्टेंस फॉर अस। तो हम लोग इसलिए कोशिश करते हैं कि वॉक भी हो जाएगी, इसी बहाने दोस्त को खाना भी डिलीवर कर देंगे, बस उसको डिलीवर करके खाना चले आएंगे हम लोग। क्योंकि ऑब्वियसली उसकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होगी आज, मतलब कल ही उसने वैक्सीन लगवाया तो आई एम श्योर बहुत लो होगी एंड इट्स बेटर टू बी सेफ यू नो। हमारे जर्म्स उसके आजू बाजू ना रहें, ज़्यादा बेहतर है। इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड सी आप हमारे पीछे देखिए सारी पैटियोज बिजी हैं, सारे रेस्टो बार्स ओपन हो गए, पैटियो साइड रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए। ट्रैम वेट कर रही है, चलिए वॉकिंग टॉक। इट्स सो गुड। स्ट्रेट जाना ना यो। इसके अगला वाला ही इधर चलना, चलो नहीं तो फिर चलो। गाइज ये हम लोग की जो फ्रेंड है उनके घर की मतलब अपार्टमेंट की लॉबी है, तो क्वाइट अ कूल लॉबी, वेरी नाइस। बस घर घर हम लोग दिखना चाहिए, बाकी सब बढ़िया है। तो बस बाहर जाना है, चलिए बाहर निकलते हैं। हाय शॉन्स भूतिया बहुत ही अच्छी हवा चल रही है गाइस, और ये देखिए क्या मस्त पानी लग रहा है। कनाडा, मुझे पता है हार्बर फ्रंट के दर्शन मैंने कई बार आपको कराया क्योंकि ये हमारे सबसे नियरेस्ट, वन ऑफ द नियरेस्ट लेक्स है, तो हमेशा ही हम लोग यहीं कूद के चले आते हैं जब भी लेक के नज़ारे हमें देखने होते हैं। हाँ, और अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारी फ्रेंड है उसका अपार्टमेंट यही कहीं आजू बाजू पड़ता है पास में, तो उसके मिलने के बहाने हम लोग यहाँ भी चले आते हैं जब भी उसको छोड़ने आते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, जब मिलने आना होता है तो आ जाते हैं। एंड हम लोग रुके बिल्कुल भी नहीं गाइस, बस खाना हम लोग ने दे दिया, बस खाली कर दिया बर्तनों में एंड निकल आए। क्योंकि यार दोस्त लोग क्या करते हैं ना, दोस्त लोगों की इच्छा होती है रुक जाओ यार क्या दिक्कत है, तुम भी सेफ्टी से रहते हो, हम भी सेफ्टी से रहते हैं, रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा समझदारी करना चाहिए, इस समय वो थोड़ी वीक है तो वी लिटरली डोंट वांट टू यू नो रिस्क दैट। तो सी वाटर बॉयज कितना शांत सा पानी लग रहा है। हार्बर पार्क आपको दिखाता हूँ। ओके, कौन सा पार्क? हार्बर पार्क। चलिए गाइस हमारे साथ हार्बर फ्रंट, हार्बर पार्क है। तो ये हार्बर स्क्वायर वेस्ट पार्क नहीं, हार्बर स्क्वायर पार्क वेस्ट वेस्ट पार्क नहीं। डू नॉट फीड द बर्ड्स, यहाँ पे अंदर बर्ड्स मिलेंगे। वो देखिए सामने पड़े हैं कबूतर, कबूतर जा 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 कबूतर जा। तो ऐसा नहीं है कि कबूतर सिर्फ इंडिया में मिलते हैं गाइस। हम लोग हैदराबाद में और गर्मियों में यहाँ पे कबूतर आते हैं। उसका ऑनलाइन ईमेल आया है कि इस साल फिर अटैक होगा कबूतरों का, पिजन अटैक होगा सिटी पे। तो बहुत सारे कबूतर दिखाई देंगे, मतलब अटैक का मतलब बहुत सारे आते हैं ऐसा, नॉट एक्चुअली लिटरली अटैक। सीगल, दैट्स अ सीगल, या एंड सीगल बहुत वायलेंट हो जाते हैं कभी कभी। हाँ यहाँ से घूम पड़ते हैं। हाँ वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से इधर हो गया है रास्ता ना। हाँ हाँ मस्त यार ये सब कुछ। ये तो यहाँ पानी है, भारी उसमें गिर रहा है। या ये कैसा, यहीं का पानी यहाँ आता होगा? नहीं नहीं, बहुत सारा पानी आता होगा। नहीं नहीं नहीं, और वो पड़ रहा था। आई डोंट नो, समटाइम्स आई थिंक कि पानी इतना शांत दिखता है। इतना शांत नहीं है, ये बहुत हिल रहा है। या आई नो इट्स मूविंग अलॉट। टुडू टुडू ऐसी वेव्स बनाते थे हम लोग छोटे पे, पेंटिंग करते थे तो ऐसी वेव्स होती थी। टुडू 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 टुडू। तो गाइज ये पूरा हार्बर फ्रंट की वॉक लगभग लगभग हमने ले ली। एक साइड से, उस साइड से हमने एक्सप्लोर करा है, उस वाली साइड वाला कर लिया है। अब इधर करते हैं, चलो चलते हैं। ये वाला साइड एक्सप्लोर किया हम लोगों ने। अब वहाँ चलेंगे किधर? शॉन्स राइट, और उधर से निकलेंगे बाहर पीछे की तरफ से। हाँ सो हमारे साथ आप भी इंजॉय करिए गाइस, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा नज़ारा टोरंटो का। क्योंकि हर पल यहाँ जी भर जियो, यहाँ पे गर्मी कल हो ना हो, ठंडा हो जाएगा जो है समा कल हो ना हो। सही बात है, इतना गर्म होता है कि यहाँ पर अंदर से ही चलना पड़ेगा। जो गाना है ना, मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, बिल्कुल करेक्ट बात है इसके लिए। कहाँ से चल रहे हैं? यहाँ से इधर चल रहा है। चलिए गाइस, घूमते फिरते फिर घर की ओर प्रस्थान किया जाएगा। तो देखिए लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं। किधर से? इधर ना। ओके चलो गाइस। पता नहीं। हाँ जी It's okay. आप भी जाओ। I am scared of. आप भी इधर चलो। हाँ हाँ वो देखो, ये है कबूतर, वहाँ है डक्स, वहाँ है डक्स, वहाँ है बोट। और ये बोट स्टीमर से लोग जा रहे हैं। वो देखो बड़ी शिप, हवा देखिए, बिग शिप, लेकिन शिप टाइप है। हाँ जी बिग बोट। ये देखिए गाइस, ये रही बिग बोट, काफ़ी दूर है, जूम करके आपको दिखा रहा है। और ये लिटरली हवा जो चल, सीगल जो बिल्कुल पास में, ये देखिए ये है सीगल। ये भी बहुत खतरनाक पंछियाँ होते हैं, हाथ में कुछ लिए रहेंगे वायलेंट हो जाते हैं। ये भी पिजन के ही खानदान के हैं। हाँ लेकिन ये वैसे आता है, कैसे आपके पास कुछ खाने का रहेगा ना, सीधे अटैक करके ले जाएंगे, वायलेंट हो जाता है। कैसे मंकीज होते हैं। तो गाइस बहुत ही शांत और सुंदर नज़ारा। हाँ ये देखिए। तो गाइस हवा कितनी चल रही है आप ये देखिए, मतलब ये हवा को देखिए, पत्तियाँ एक्चुअली झूम रही हैं। दे आर झूमो पाएंगे यार, हवा चल रही। तो गाइस पानी की आवाज़ सुनिए आप। किस किस को टाइटैनिक की फील आगे बताना, ऐसी डुबुक डुबुक आवाज़ आती है। तो काफ़ी बड़ा है हार्बर फ्रंट, लोग काफ़ी यहाँ पे वॉक वगैरह करने के लिए आते हैं। तो हम लोग बस राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं और फिर घर निकलेंगे। मैंने सोचा कि बहुत समय हो गया आपको प्रॉपर सैर नहीं कराई हमने। वहाँ कोई फैक्ट्री है सामने। हाँ वहाँ देखिए, आई जूम इट, सी गाइज, वहाँ पे कोई फैक्ट्री है, आई डोंट नो, कुछ होगा। और यहाँ पे आइलैंड्स हैं, जो इस हार्बर फ्रंट जो लेक है इस पर एक आइलैंड होता है एक्सप्लोर करने के लिए। वो दूसरी छोर से दिखता है, इस छोर से नहीं दिख रहा है, पर वो उतनी दूर में एक पोर्शन है आइलैंड का। तो वहाँ पर वाटर बोट्स और ये सब कुछ जाते हैं। पर क्योंकि ओंटारियो ओपन हो चुका है, ओंटारियो स्पेसिफिकली टोरंटो ओपन हो गया है, तो पीपल आर गोइंग क्रेजी। ऐसा नहीं है कि वीकडेज को खाली मिलता है, इवन वीकडेज आर वेरी बिजी। सो लोग ऐसे आगे काम करते हैं, देखो यहाँ पे एक बंदा काम कर रहे हैं, या ऐसे लोग काम करते हैं, ऐसे चिल होकर आराम से काम करता है हर कोई। हाँ चलो, ये नेचर के साथ एंजॉय करते हुए। घर में चाचा पापा है, बाहर की चाचा पापा में काम करिए। हाँ चलिए वॉक। हाय गिलहरी, हाय गिलहरी, हाय गिलहरी, हाय गिलहरी, हाय गिलहरी, हाय गिलहरी। वो मूंगफली खा रही है। हाय, यू सो क्यूट। भागो 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 भागो। हाय गिलहरी, भाग गई। सो गाइस, यहाँ पे सब ओपन हो गया है, तो हर जगह गैदरिंग होने लगी है, मज़ेदार। तो बिंदास वाइल फैम, हम लोग आ गए हैं घर। और जो फ्रेंड है उसकी तबीयत अभी ठीक है, तबीयत उसकी ख़राब हुई भी नहीं थी, टचवुड, जय माता दी। तो तबीयत उसकी ख़राब नहीं हुई थी, बस उसको थोड़ा सा हैंड में पेन है, क्योंकि ऑब्वियसली वैक्सीन मिला है तो थोड़ा बहुत मसल जो है सोर हो जाता है, वो है उसको। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब उसको इशू हो रहा है घर का काम करने में, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। तो बस हम लोग उसको सामान दिए, खाली किया, डब्बे खाली किए, और बस हम लोग भग से चले आए, क्योंकि यू नो इट्स नॉट सेफ। अभी उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है और पता नहीं हम क्या जर्म्स उन्हें दे दें, कोई भरोसा नहीं। तो वी आर तो बहरहाल अभी फ़िलहाल वो ठीक है। हम लोग ने जो रजिस्टर किया है तो क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट डोज के लिए जो रजिस्टर किया है, तो यहाँ पर क्या होता है, 3 वैक्सीन चल रही हैं। फाइजर चल रहा है, एस्ट्राजेनेका चल रहा है, और एक थर्ड वैक्सीन क्या है शोना, थर्ड वैक्सीन शोन्स, थर्ड वैक्सीन कौन सी है, एम से हम ब्लैंक, तो हबी जी भी ब्लैंक, ठीक। तो खैर 3 वैक्सीन यहाँ पे चल रही हैं। तो जब आप फर्स्ट डोज के लिए रजिस्टर करते हो तो ईमेल आता है। कनाडा में गाइस वेट लिस्ट है, तो टोरंटो में तो स्पेशली डाउनटाउन एरिया में वैक्सीन्स की काफ़ी वेट लिस्ट चल रही है। तो अभी तो हम लोग मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार ही हमारी चल रही है, देखते हैं कब नंबर आता है हमारा। लेकिन हाँ जी, हम कतार में अभी फ़िलहाल, तो मतलब कतार वाला कतार नहीं, क्यू वाला कतार। तो जब आपको ईमेल आता है तो वो बताते हैं कि कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप चूज़ कर सकते हो, आपको फाइजर चाहिए या एस्ट्राजेनेका चाहिए। तो जो मेरी फ्रेंड है उनको फाइजर मिला है। हम लोग भी प्रेफर वही करेंगे। जब हमें ईमेल आएगा तो देखते हैं कौन सा हमें मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली मॉडर्ना। हाँ मॉडर्ना, करेक्ट। तो फाइजर ही ऑप्ट करेंगे। जो लोग ले रहे हैं फाइजर, दे आर रिस्पॉन्डिंग वेल टू द वैक्सीन, तो इसलिए हम लोग उस चीज़ के लिए होपफुल हैं। वैसे भी कोई भी वैक्सीन लगवाएं हम, यू नो थोड़ा बहुत तो बॉडी रिएक्ट करती ही है, तो कुछ नहीं कर सकते उसका। तो फिलहाल जो मेरी फ्रेंड है उसको उसका कोई इशू नहीं हो रहा, कोई भी मतलब कोई भी मेडिकली चैलेंज नहीं आ रहा उसको, बुखार वगैरह ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है, टचवुड। तो शी इज़ ओके। बाकी हम लोग देखते हैं कब हम लोग का नंबर आता है। कल भी मैंने सोचा है कि कल भी जाकर उसको हम लोग खाना दे आएंगे, क्योंकि उसके हाथ में पेन है एंड आई अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा सोर हो जाता है वैक्सीन देने पर। वही एक दूसरे के काम नहीं आया तो फिर क्या किया। है ना, अच्छा रहेगा कि वो घर का खाना खाए रादर देन बाहर से ऑर्डर करना। एंड देन वंस शी इज़ ऑल ओके, थोड़ा पेन वगैरह उसका थोड़ा कम हो जाए, देन शी कैन स्टार्ट कुकिंग। या वो पहले भी वही कर रही थी ना, हर कोई वैसे ही मैनेज करता है अपने घर में। तो मेरी फ्रेंड इज़ लाइक नहीं नहीं नीलम प्लीज़ मत लाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल से कुकिंग करूँगी। बट आई सॉ हर, वो बता रही थी हाथ में काफ़ी पेन हो रहा है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कल तक भी कोई बहुत ख़ास आराम तो नहीं मिलने वाला, तो कल भी जाकर हम लोग खाना दे आएंगे तो बेटर रहेगा। कुछ तो हेल्प हो जाएगी ना, बहुत कुछ तो हम लोग नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना करें। पर हार्बर फ्रंट तो आज बहुत ही अच्छा खासा लग रहा था। वीकडे है फिर भी काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि लेक है ना, तो पूरा जो लेक होता है लोग शाम के वक्त टहलने आते हैं, वॉक पर आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, कुत्तों को लेकर आते हैं, फैमिली आती है, तो भरा पूरा रहता है, चाहे वीकडे को चले जाओ चाहे वीकेंड पे चले जाओ। और ये भी है कि हम जब भी जाते हैं अपनी फ्रेंड से, उसको छोड़ने जाते हैं, उससे मिलने जाते हैं, तो बस थोड़े दूर वॉक करते हैं और हम हार्बरफ्रंट घूम लेते हैं। तो वो भी एक अच्छा सा है ना, सोने पे सुहागा, एक पंथ दो काज भी हो जाते हैं ना, तो वैसी चीज़ है। थोड़ा तो सेल्फिश बना कहीं ना कहीं हर किसी में होता है गाइस, कितना भी आप कर लो, कुछ भी सेल्फलेस नहीं है दुनिया में, मुझे तो यही लगता है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छा ज़रूर करना चाहिए, भले ही सेल्फिश नीड से ही करो, लेकिन अच्छा ज़रूर करो। एंड इस क्यूट से वीडियो को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा गाइस। अगर हमारी यूं ही कनाडा लाइफ पसंद आती है, कनाडा कपल देसी लाइफ पसंद आती है, तो फॉर श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग टिंग टिंग, माता रानी की घंटी, इसे ज़रूर क्लिक करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको आती रहें। लाइक ज़रूर करिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, क्योंकि एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपको पता नहीं है लेकिन बहुत मिलता है। कमेंट ज़रूर करिए, अगर कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो उसे ज़रूर पोस्ट करिए, आपके कमेंट पढ़ के बहुत मज़ा आता है, आपके क्वेश्चंस का जवाब देके और भी मज़ा आता है। तो यूं ही हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम बेहतरीन कंटेंट आपके पास ला सके और यूं ही आपको एंटरटेन कर सके अपनी इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ कनाडा लाइफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते थे। तो यूं ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्यूट और क्रेजी हबी जी के साथ जो बिजी हैं। तो अलविदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी चटपटा वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ। लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, सी यू वेरी वेरी सून। शबा खैर।